चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और विधि विधान से पूजा के बाद आशीर्वाद लिया है। ऐसे में आपको बता दें देश भर में भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और कहा जाता है कि आज से जो है सावन की शुरुआत है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू होगा। मैं इस समय हूँ सहारनपुर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं दिखाऊँ यहाँ की जो तैयारी है, वो तैयारी अपने आप में अद्भुत तैयारी यहाँ पर की गई है। और पूरा जो भवन है, पूरा जो मंदिर का भवन है, वो पूरी तरह से खूबसूरत गुब्बारों से यहाँ पर सजाया हुआ है। और आज सुबह से ही यहाँ पे जो है भक्त जो है अपने शिवालयों में यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान शिव को अपने जो जल है वो अर्पित कर रहे हैं, जो अपने श्रद्धा सुमन है वो यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। और मैं दिखाऊँ मंदिर की जो खूबसूरती है वो अपने आप में यहाँ पे कही जाती है, क्योंकि ये प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर, उसकी मान्यता भी है। यहाँ पर जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मंगल कामनाएं जो भक्त यहाँ पे लेकर आता है, उसकी मंगल कामनाएं यहाँ पे पूरी होती है। ये महादेव का भूतेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि मुगलों के समय का ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो मान्यता जो है वो पहले से ही बहुत बड़ी मान्यता यहाँ पे रही है। और यहाँ पे जो भक्त है वो लगातार जो है अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। और जो है अभी क्योंकि सावन का पहला सोमवार कल से शुरू होगा और सावन के सोमवार को लेके भी लोगों में खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आज विशेष तरह की जो पूजा अर्चना वो भी यहाँ पे की जानी है और उसकी भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कहा जाता है कि सहारनपुर का भूतेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो सावन के जो सोमवार होते हैं, सावन का जो महीना होता है, उस सब पूरे महीने में यहाँ पे भक्तों का आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और कहा जाता है कि आज से जो है सावन की शुरुआत है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू होगा। मैं इस समय हूँ सहारनपुर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं दिखाऊँ यहाँ की जो तैयारी है, वो तैयारी अपने आप में अद्भुत तैयारी यहाँ पे की गई है। और पूरा जो भवन है, पूरा जो मंदिर का भवन है, वो पूरी तरह से खूबसूरत गुब्बारों से यहाँ पे सजाया हुआ है। और आज सुबह से ही यहाँ पे जो है भक्त जो है अपने शिवालयों में यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान शिव को अपने जो जल है वो अर्पित कर रहे हैं, जो अपने श्रद्धा सुमन है वो यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। और मैं दिखाऊँ मंदिर की जो खूबसूरती है वो अपने आप में यहाँ पे कही जाती है, क्योंकि ये प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर, उसकी मान्यता भी है। यहाँ पर जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मंगल कामनाएं जो भक्त यहाँ पे लेकर आता है, उसकी मंगल कामनाएं यहाँ पे पूरी होती है। ये महादेव का भूतेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि मुगलों के समय का ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो मान्यता जो है वो पहले से ही बहुत बड़ी मान्यता यहाँ पे रही है। और यहाँ पे जो भक्त है वो लगातार जो है अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। और जो है अभी क्योंकि सावन का पहला सोमवार कल से शुरू होगा और सावन के सोमवार को लेके भी लोगों में खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आज विशेष तरह की जो पूजा अर्चना वो भी यहाँ पे की जानी है और उसकी भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कहा जाता है कि सहारनपुर का भूतेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो सावन के जो सोमवार होते हैं, सावन का जो महीना होता है, उस सब पूरे महीने में यहाँ पे भक्तों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सैलाब यहाँ पे होता है। और जो कि आज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मंदिर में जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हवन का भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा और पूजा का होगा, उसके अलावा और अन्य भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। यहाँ पे मंदिर के जो मंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि मंत्री किस किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। देखिए, मंगला आरती के बाद सुबह ही पहले सजावट के बाद आप देख रहे हैं कि सुबह मंगला आरती के बाद विशेष पूजन हुआ है, जिसमें कि सभी भक्तों के द्वारा एक आहुति भी दी गई है तथा 8 बजे ध्वजारोहण होगा और नगर परिक्रमा होगी भगवान की। जो शिव पुराण की कथा होती है उसकी नगर परिक्रमा की जाती है। तो हम लोग यहाँ से सब मिलजुल के, सभी सेवादार, सभी भक्तजन और समिति के लोग, सभी और पंडित जी वगैरह सब लोग मिलजुल के सभी नगर परिक्रमा करेंगे, जिसमें कि बैंड बाजों के साथ नगर परिक्रमा की जाती है। तो अभी उसको लेके कितना उत्साह यहाँ पे भक्तों में देखने को मिलेगा? ये सावन के माह में हमारे यहाँ भक्तों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है, तो इसीलिए बहुत उत्साह रहता है। अभी उत्साह का आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ अब बैलून की सजावट है, फूलों की सजावट है, ये सब रात से लगभग कर रहे हैं सब।
तो ये उत्साह का ही कारण है कि जो यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, सावन का महीना अब शुरू हो गया, सावन के महीने में यहाँ पे बताते हैं बड़ी मान्यता यहाँ पे है, अब दूर दूर से भक्त भी आते हैं, कितनी भक्तों की भीड़ होती है? देखिए, सावन के माह में ये कहा जाता है और हमने अपने आप साक्षात देखा है कि जो प्रभु से जो यहाँ पे आके अपने दीपक जला के मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण रूपेण पूरी होती है। अच्छा, एक यहाँ पे क्योंकि सावन का महीना है, यहाँ पे तमाम भक्त भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, एक भीड़ भी हमने कई बार देखी है, तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से हमेशा हमें पूर्ण सहयोग मिलता है, जैसे कि आज भी हमें यहाँ के थाना मंडी इंस्पेक्टर ने कह रखा है कि आपको हम पूर्ण व्यवस्था देंगे सुरक्षा की दृष्टि से, तो पुलिस पैकेट भी लगाई जाएगी और नगर निगम की तरफ से भी सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूपेण रहती है हमेशा। तो ये थे यहाँ मंदिर के भूतेश्वर महादेव मंदिर के मंत्री जी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई ब्राह्मण लोग भी हैं जो कि अभी यहाँ पे जो पूजा अर्चना भी कराएंगे, पंडित जी हम इनसे बात करेंगे, तो पंडित जी बताएं कि किस तरह की पूजा अर्चना की आज तैयारी है। वंदे देव महापतिम सुर गुरु वंदे जगत तारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिनिनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बड़ा ही सौभाग्यशाली अवसर है इस माह में 5 सोमवार आए हैं और आज सुबह पूजा अर्चन होकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद रुद्री का पाठ होकर के यहाँ पे उनको विराम दिया जाएगा, इसी प्रकार की पूजा यहाँ पे आज रखी गई है। अच्छा, जैसे सावन का महीना अब शुरू हो रहा है, सावन के महीने में कौन कौन सी पूजा होती है, किस तरह से इस मंदिर की महत्वता है यहाँ पे? देखिए, रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, आज जो प्रारंभ हो रहा है पर्व गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में, ये पंच ब्राह्मण द्वारा रुद्री का पाठ प्रारंभ कर ही यहाँ से जो है प्रारंभ हो गए कथा श्रावण मास की। आज तो रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है श्रावण के महीने में, सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन आज का दिन, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का क्या विशेष है? देखिए, गुरु पूर्णिमा की ये है कि जो भगवान शंकर हैं विश्व के गुरु हैं, पूरे शंकर भगवान शंकर, और गुरु के बारे में कहा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगयत गिरिम यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम, यानी कि मूकम करोति वाचालम, गूंगे भी बोल पड़ते हैं, पंगुम लंगयत गिरिम और लंगड़े भी पर्वत चढ़ जाते हैं, यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम, जीवन में गुरु की कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है, तो भगवान शंकर जगत के गुरु हैं और गुरु पूर्णिमा से ही जो है आज यहाँ से जो है श्रावण मास के प्रारंभ पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, कथा प्रारंभ आज से ही होती है यहाँ पर। आप बताएं कि जैसे आज के दिन का विशेष महत्व है, तो किस तरह लोगों को पूजा करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सावन का महत्व बड़ा खास होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साक्षात सीधी स्थान है बुद्धेश्वर महादेव, इसमें कोई कहने का कोई विषय ही नहीं, परंतु ये जो श्रावण मास का शुभ अवसर है ना, ये साक्षात महादेव की कृपा में है, जैसे कहा जाए समय पर वर्षा होती है, समय पर सर्दी भी होती है, समय पर गर्मी भी होती है, हर मौसम परिवर्तन के अनुसार होता है, परंतु जो श्रावण मास का जो समय आता है साक्षात कृपा में आता है भगवान शिव की। इसमें भगवान कहते हैं कि किसी की भक्त के पास कुछ भी ना हो, मुझे एक लोटा जल चढ़ा दो और एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा, संतोषम परमम सुखम, ये महादेव को खुश करने का समय है श्रावण मास। ये पंच ब्राह्मण यहाँ पर है जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो आपसे भी पूछेंगे पंडित जी, जो क्योंकि यहाँ के बड़ा महत्व तो यहाँ का माना जाता है और सावन के महीने का भी बड़ा महत्व तो है, तो किस तरह से आप भक्तों को क्या क्या आप बताते हैं, किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जी जी, भक्तों को देखिए श्रावण मास में इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रभु प्रसन्न हो सके, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने से मनुष्य को जितना भी वो करना चाहिए उसी प्रकार करते हैं, इसी प्रकार से। अरे, आप बताएं मतलब यहाँ पे सुबह से भक्त आ रहे हैं, तो क्या भक्तों की वो किस तरह की यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है? भीड़ काफ़ी रहती है, आज गुरु पूर्णिमा, आज से भीड़ बढ़ती चली जाएगी और पूरे सावन अपार भीड़ रहेगी, और हर तरह की सुविधा यहाँ से कमेटी की तरफ से भक्तों को दी जाती है। अच्छा, मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, मराठा काल से बताते हैं, मंदिर तो कम से कम 600-700 साल पुराना है, मराठा काल का जमाने से, ये सिद्धपीठ मंदिर है, प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर, और यहाँ की महानता बहुत ज़्यादा है, 40 दिन अगर कोई नंगे पैर दीपक जलाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये साक्षात यहाँ पे शिव विराजमान है और इस मंदिर को इसीलिए भूतेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पर ये मान्यता है कि सबसे प्राचीन मंदिर है, और यहाँ की जो मान्यता है वो सभी लोग यहाँ पे जो बताते हैं कि यहाँ पे 40 दिन अगर कोई यहाँ पे जो लगातार दीपक जलाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और आज का दिन विशेष खास है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज से सावन माह की जो शुरुआत है
वो बड़ी खास होगी। सहारनपुर से कैमरा पर्सन अरुण के साथ चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं वाराणसी में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों भक्तों ने लाइन में लगकर न सिर्फ अपने गुरु के दर्शन किए बल्कि गुरु के चरणों में शीश झुकाकर मोक्ष की कामना की है। रिपोर्ट देखिए। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और इन दिनों जो अनुयायी हैं वो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। देखिए, मैं जहाँ मौजूद हूँ ये क्री कुंड है, भगवान कीनाराम का आश्रम है। ये बनारस में स्थित है, हालांकि एक आश्रम जो है वो चंदौली में स्थित है, लेकिन ये बनारस का आश्रम है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह का समय है, इस तरीके से जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो दूर दराज से आकर दर्शन पाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। ये लाइन केवल ये आश्रम के अंदर ही नहीं, ये लाइन बाहर तक। देखिए, महिलाओं का लाइन अलग है और पुरुषों का लाइन अलग है। मान्यता यहाँ क्या है कि यहाँ पे कुंड में स्नान करने के बाद यदि बाबा का दर्शन पूजन किया जाता है तो जो बाधाएं होती हैं, जो दुख होता है वो कट जाता है। हम कुछ लोग बात हैं यहाँ, उनसे बात भी करना चाहेंगे। क्या मान्यता है यहाँ के आश्रम का, यहाँ के कुंड का? यहाँ कुंड में स्नान आदि करने से सभी रोग दोष से बहुत बाधा से मुक्ति मिलती है। से आप यहाँ आ रहे हैं? 20 साल से। आप कहाँ से हैं? रामनगर से। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ के बहुत बड़ा मान्यता है, यहाँ बहुत शुद्ध स्थान है, ये बनारस का सुप्रसिद्ध स्थान है। ये कुंड जो है बहुत पवित्र है, यहाँ के हर रोग कोई भी कष्ट हो दूर हो जाता है नहाने से और बाबा का दर्शन करने से। पूर्णिमा के दिन का आज का महत्व क्या होता है? बहुत बड़ा महत्व है बाबा का। हम लोग हर रविवार को आते हैं दर्शन करने, अब बहुत सुख संपत्ति मिलता है। आज के दिन विशेष क्या किया जाता है यहाँ पे आश्रम पे आने के बाद, गुरु के पास आने के बाद? आने के बाद यहीं पूजा पाठ हम लोग करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लेकर फिर चले जाते हैं। कि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, शायद इसीलिए महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता हैं उन्होंने साफ साफ कहा था और उनके ही नाम से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो देखिए, ये परंपरा बहुत पुरानी है और काशी में जो ये क्री कुंड है ये काफ़ी पुराना क्री कुंड है और यहाँ पे देश ही नहीं विदेश से भी जो अनुयायी हैं बाबा के वो यहाँ पहुँचते हैं। बुढ़ी जली दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज़, वाराणसी।